हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआर एजुकेशन। तो पिला माने आज आम जो दशम श्रेणी एसए वन हो बा एसए टू हो जहाँ रही तारी विषय जो रही आम इतिहास प्रथम अध्याय द्वितीय पाठ अर्थात जो भारत में असहयोग आंदोलन ओडिशा रे तार प्रभाव रही तारी विषय आम सर्ट क्वेश्चन किसी डिस्कसन करवा जहाँकि रही उस्ताद तरफ तो ओस्तार गाइड में जहाँ रही से अनुसार आम डिस्कसन कर प्राक्ट कले मे भी आम मेजोरीटी क्वेश्चन यूर आसवर संभावना अच्छी। तो देखा प्रथम क्वेश्चन तो जो समय देखा समस्ते कमेंट करवा कौन हम आंसर एवं सांग मानक सेयार करवा जहाँफल समस्त पाखे क्वेश्चन गुड़िक पहुँची पार। तो देख प्रथम क्वेश्चन रहा तुर्की सुल्तान मुसलमान मान कौन थी तुर्की सुल्तान कौन थी मुसलमान मान शासक थे ना राजनैतिक गुरु धर्मगुरु शिक्षा गुरु तो थे कौन सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी धर्मगुरु। से भले देख कौन रही दुई नंबर इंडिया विनर्स फ्रीडम पुस्तक रचयिता किए पुस्तक किए रचना करते तो यार रचयिता थे किए देख महात्मा गांधी जे बी कृपाणी मौलाना अबुल कलाम आजाद चंद्रशेखर आजाद। तो सठिक उत्तर होची कौन ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ता पूर्व जो माने भी नुआ अच्छा चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करनी एवं ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दियो कारण जो समय भी किसी इंपोर्टेंट नोटिस जीवो तुम पाखे इमीडिएट नोटिफिकेशन आसीजी। तो अन्य माने जो माने अच्छा भी आम टेलीग्राम चैनल जॉइन करेंगे आम अबाउट रे लिंक अच्छी टेलीग्राम इंस्टा फेसबुक पेज विभिन्न अच्छी तुम्हें जॉइन कर निम्नलिखित मध्यरु केबे महात्मा गांधी निखिल भारत खिलाफत सम्मेलन सभापति भाई निर्वाचित होते तो केबे महात्मा गांधी निखिल भारत खिलाफत सम्मेलन सभापति भाव निर्वाचित होते तो यार सठिक उत्तर हूँ कौन 1919 नवेम्बर। ठीक अच्छे तो ऑप्शन डी। तो चार नंबर देखा बिना ऑप्शन रे क्वेश्चन लगे निम्नलिखित मध्य के मौलाना अबुल कलाम आजाद मरणोत्तर भारत रत्न सम्मान घोषित होते के तो केबे मरणोत्तर भारत रत्न तो यहाँ सठिक उत्तर हूँ कौन 1992। ठीक अच्छे पांच नंबर लॉर्ड चेम्सफोर्ड क्यों पदवी रे थिले लॉर्ड चेम्सफोर्ड क्यों पदवी रे थिले लॉर्ड चेम्सफोर्ड थिले कौन भारत वाइसरॉय थिले वाइसरॉय। ठीक अच्छे तो वीडियो शेष पर्यंत देख बहुत गुड़े क्वेश्चन अच्छे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो गुड़ा कि तुम एसए वन बहुत हेल्पफुल हम क्यों आईन अनुसार भोटदान अधिकार को संकुचित कर दिगला तो क्यों आईन अनुसार भोटदान अधिकार को संकुचित कर दिगला तो यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी 1919 भारत शासन आईन। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा ब्रिटिश जनसाधारण केते परिमाण अर्थ डायर को पाई संग्रह करथिले ब्रिटिश जनसाधारण केते परिमाण अर्थ डायर पाई संग्रह करथिले तो यार सठिक उत्तर कौन रहइबो 10,000 पाउंड 25,000 पाउंड 20,000 पाउंड 30,000 पाउंड कौन रहइबो यार सठिक उत्तर हो 30,000 पाउंड। तो ऑप्शन डी हो यार सठिक उत्तर। आठ नंबर 1920 डिसेंबर मासरे कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन केउठारे बसथिला कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन केउठारे बसथिला तो यार सठिक उत्तर कौन हम नागपुर उठा बसी ऑप्शन ए हम सठिक उत्तर। तो देखा 9 नंबर असहयोग आंदोलन समय किए भारत परिदर्शन आसते असहयोग आंदोलन समय किए भारत परिदर्शन आसते वेल्सर युवराज नहीं वेल्सर युवराज आसते कौन तक ना था ये समस्ते कमेंट कर निश्चिंत कर वेल्सर युवराज नाम कौन थिला। ठीक अच्छे यहाँ रहा तुम्हें टैक्स 10 नंबर चौराचोरी स्थानी के राज्य अटे चौराचोरी कौट अटे उत्तर प्रदेश चौराचोरी। ठीक अच्छे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर केउठारे कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक में असहयोग आंदोलन स्थगित घोषणा अनुमोदित होता केउठारे कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने घोषणा करा कौटा यहाँ बरधोली ठीक अच्छे ऑप्शन सी।
12 नंबर मुस्ताफा कमाल पाशांक नेतृत्व में केउठारे साधारणतंत्र प्रतिष्ठा कराइला एटा कौट करते पाशा तो यहाँ तुर्की रेला कौट तुर्की ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा निम्नलिखित मध्य क्यों घटना ओडिशा असहयोग आंदोलन को क्षिप्रतर कला कौ घटनापाई ओडिशा जो असहयोग आंदोलन था क्षिप्रतर है देख जिते महात्मा गांधी ओडिशा आसीगले से कौन है आदर्श अनुप्राणित कि आहुरी क्षिप्रतर होगा असहयोग आंदोलन तेल सठिक उत्तर हम कौन ऑप्शन ए अन्य गुड़िक नुहे। 14 नंबर ओडिशा प्रदेश कमिटी केबे गठित ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी केबे गठित होता 1921 मसीहा मार्च मस ठीक अच्छे 1921 मार्च मस रहा गोटे मन रखा यहाँ बहुत इम्पोर्टाट क्वेश्चन ठीक अच्छे। 15 नंबर नागपुर कांग्रेस अधिवेशन रु फेरी गोपबंधु दास छात्र मानक के उद्बोधन देते नागपुर अधिवेशन रु फेरी कौटे कटक ठारे ठीक अच्छे। 16 नंबर निम्नलिखित मध्य क्यों व्यक्ति उद्यम ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी गठन होता क्यों व्यक्ति उद्यम ओडिशा रे प्रदेश कांग्रेस कमिटी गठन होता तो गोपबंधु दास सठिक उत्तर हो गोपबंधु दास तो 16 नंबर गला। 17 नंबर देखा महात्मा गांधी केबे कटक थारे एक विशा जनसमावेश को उद्बोधन देते तो केबे देते यार सठिक उत्तर हूँ 1921 मार्च 23 जेता कांग्रेस महात्मा गांधी आसी ओडिशा से समय देते तो सबगुड़ तारीख तो कागज पक्ष अच्छी 1921 मसीह अगस्ट 11-14 तारीख ओडिशा जनसाधारण केउठारे विदेशी लुगा पोड़ी जाइए कौटे पोड़ी 11-14 कटक ठारे ठीक अच्छे। 19 नंबर निम्नलिखित व्यक्ति मानक मध्य किए जड़े वकिल थे किए वकिल थे ये जो मैंने नीलकंठ दास भागीरथी महापात्र लिंगराज मिश्र मुकुंद प्रसाद दास तो किए थे वकिल भितर तो थिले भागीरथी महापात्र थिले जड़े आडवोकेट बा वकिल ठीक अच्छे। राजा कृष्ण बोस क्यों स्कूल त्याग करते राजकृष्ण बोस राजा नु राजकृष्ण बोस तेला कौन कटक मेडिकल स्कूल ठीक अच्छे। 21 नंबर 21 नंबर देला कौन दे बालेश्वर रे क्यों व्यक्ति घर न्यायालय प्रतिष्ठा करते घर न्यायालय किए प्रतिष्ठा करते गौरी मोहन दास ठीक अच्छे। 22 नंबर उत्कल स्वराज शिक्षा परिषद केउठारे स्थापित होता उत्कल स्वराज शिक्षा परिषद केउठारे स्थापन होता तो ये कटक ठारे यार आंसर मध्य तुम्हें कमेंट कर केबे स्थापन होता ठीक अच्छे। ये तुम्हारे गोटे गोटे टैग दि जा 23 नंबर कटक स्वराज सेवक संघ क्यों मानक द्वारा गठित होता तो ये कौ मान को नहीं कटक स्वराज सेवक संघ होता तो ये होता कौन छात्र मान को लेकिन गठन होता प्रथम तो छात्र मान को लेकिन। 24 नंबर स्वराज समाचार पत्रिकाटी क्यों अनुष्ठान तरफ रू प्रकाशित होता तो क्यों अनुष्ठान तरफ रू प्रकाशित होता ये क्या तरफ रू स्वराज मंदिर तरफ रू ठीक अच्छे। 25 नंबर समाज संवादपत्र क्यों व्यक्ति द्वारा प्रकाशित समाज संवादपत्र क्यों व्यक्ति द्वारा प्रकाशित होता समाज संवाद पत्रिका जो क्यों व्यक्ति द्वारा होता यार सठिक उत्तर हूँ कौन गोपबंधु दास। 26 नंबर संबलपुर मिश्र प्रेस स्वराज संगीत नामक प्राचीर पत्र छापी केते टंका जरिमाना देते केते टंका जरिमाना देते 25 टंका ठीक अच्छे। 27 नंबर असहयोग आंदोलन समय कनिकार राजा किए थे
ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କନିକାର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜ ଦେଓ। ତ ଦେଖିବା ଆଉ ତିନୋଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ବେଶୀ ଦେଖିବାନି, 30ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ କଭର କରିବା। କନିକାର ଆଇନ ମାନ୍ୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା? କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା? କନିକାର ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଅଭିଯୋଗରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାହା ନାଁ ଅଛି? ଏଇଥିରେ କାହାର ଅଛି? ଭାଗୀରଥି ମହାପାତ୍ର। 29 କନିକାର ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ କେଉଁ ଜେଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା? ହଜାରୀବାଗ ଜେଲକୁ। ଠିକ ଅଛି, କେଉଁ ଦୁଇଟି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କନିକାର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା? କେଉଁ ଦୁଇଟି ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ କନିକାର ହେଇଥିବା ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ବିଷୟରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା କଥା, ତ କେଉଁଠି ଏଥିଲା? ସମାଜ ଆଉ ସ୍ୱରାଜ ସମାଚାର, ଏଇ ଦୁଇଟି। ନା, ଭୁଲ, ଏଇଟାରେ ହେବ ନାହିଁ। ସମାଜ ତ ଥିଲା, ଏଥର ସ୍ୱରାଜ ସମାଚାର ନୁହେଁ, ତ ଏଇଟା କେବେ ହେବ ନାହିଁ। କେଉଁଟା ହେବ? ସମାଜ ଆଉ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ଅପସନ୍ ବିଟା ଅଛି। ଦେଖ ଠିକ, ସମାଜ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ହେଇଥିଲା, ତା ସହିତ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ରହିବ, କି ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାଥ୍ର ୱିକ୍ ଅଛେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ତ ତୁମ ପାଇଁ ବୃତ୍ତ ଚାପ୍ଟରର ପୁରା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିଅର୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଯିବ ଇଭିନିଂରେ। ତା ସହିତ ବୃତ୍ତ ଚାପ୍ଟରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ MCQ ଯାହା ବି ରହିଛି ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବା ଭଳି ହିଁ MCQ ଆଜି ଟୋଟାଲ ଆମେ କଭର କରିବା। ତ ଯଦି ତୁମେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛ ସେ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ, ତ କମେଣ୍ଟ କରିବ ତୁମର କେଉଁ ଚାପ୍ଟରରେ ମ୍ୟାଥ୍ର ରହିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସେଇ ଚାପ୍ଟରରେ ସ୍ପେଶିଆଲି ପୁରା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ତୁମର କ୍ଲିଅର୍ କରିବା। ଆଉ ତ ତାର ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ନା ଥିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ପୁରା ବିଷୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ସେଇଭଳି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଯଦି ତୁମେମାନେ କୌଣସି ଚାପ୍ଟର ବି ଅଛ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତୁମର ଅଛି, ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବ। ତୁମ କମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେଇ ବିଷୟ ଉପରେ ହିଁ ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କ୍ଲିଅର୍ କରିବି ତୁମର ସେଇ ଚାପ୍ଟର। ସ୍ପେଶିଆଲି ରହୁଛି ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁ, ତୁମକୁ କହିଲି ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁ ଯଦି ତୁମର କୌଣସି ଚାପ୍ଟର ଆଲଜେବ୍ରା ହଉ, ଜିଓମେଟ୍ରି ହଉ, ଯେଉଁଥିରେ ବି ତୁମେ ୱିକ୍ ଅଛ, ଚିନ୍ତା କରୁଛ ୟାର ମୁଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଲିଅର୍ ହେଇନି, ତ ତୁମକୁ ମୁଁ ଇଜି ଟ୍ରିକ୍ ଦେବି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଆରାମସେ ମ୍ୟାଥ୍ରେ ପାସ୍ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ତୁମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିଅର୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ତୁମମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟରେ ଅପେକ୍ଷା, ତୁମ କମେଣ୍ଟର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି, ତୁମ କମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କର।